हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन स्ट्रीट जीरो चैनल। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऑसम लेक्चर आर्ट एंड कल्चर की सीरीज में। ये हमारा फिफ्थ लेक्चर है आर्ट एंड कल्चर की सीरीज का। इससे पहले मैं आर्ट एंड कल्चर की सीरीज में दोस्तों 4 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वो लेक्चर देख लिए होंगे। ये फिफ्थ लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एमपी के मेजर आर्ट, क्राफ्ट और पेंटिंग्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये जो कोर्स है वो एमपीपीएससी के एस्पायरेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा और ये प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से काफी मददगार साबित होगा। प्लस मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे वो पहले वाले लेक्चर्स को देख लें, क्योंकि अब जो जितनी भी लिंकेजेस होंगे मैं उन्हीं लेक्चर्स से ड्रॉ करूंगा, तो आप लोगों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उन लेक्चर्स को पहले देख लीजिए। मेरा नाम दोस्तों आलोक गुप्ता है और ये मेरे बारे में थोड़ा सा ब्रीफ है जो आप देख सकते हैं। दोस्तों ये है एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के पहले वाले पेपर, जो जीएस वाला पेपर होता है ना, उसका ये सिलेबस है। ठीक है, आप इस सिलेबस को देख लीजिए और इसी के हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए अपनी। ठीक है, अभी मैं एमपी का आपको कल्चरल एस्पेक्ट बता रहा हूं, तो ये वाला पोर्शन अभी हम लोग कवर कर रहे हैं। और प्लीज बी एश्योर कि मैं इस वाले पोर्शन को इतना होलिस्टिकली कवर करूंगा कि आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। बस आप ब्लाइंड फोल्डेडली आप इस पे रिलाई कर सकते हैं, इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। जो भी डेटा है वो पूरा ऑथेंटिक है, मैंने प्रॉपर बुक से लिया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा जो पिक्स वगैरह हैं वो थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन हाँ आप उन पे रिलाई कर सकते हैं। ये वाला पोर्शन राइट नाउ अभी हम लोग इस वाले टैबलेट पे काम कर रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन पे काम कर रहे हैं और ये इस वाले पोर्शन का फिफ्थ लेक्चर है। टोटल 10 लेक्चर्स आएंगे। ठीक है दोस्तों, इस वाले लेक्चर में हम लोग क्या किस चीज के बारे में पढ़ेंगे तो वो देख लेते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट में हम लोग देखेंगे बेम्बू क्राफ्ट, लीफ, टेराकोटा, वुड क्राफ्ट, वुड आर्ट, कॉम्ब आर्ट, बो एंड एरो मेकिंग, पपेट्री, डॉल मेकिंग, चिंपा आर्ट। ठीक है, उसके अलावा कुछ फॉक पेंटिंग्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला पोर्शन ज्यादा ध्यान से देखना दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देख लें तो आपको पता होगा कोई भी सोसाइटी होती है वो डेवलप होती है। कैसे डेवलप होती है? पहले तो उन्हें यूटिलिटी के सामान चाहिए होते हैं, जो उनकी बेसिक जरूरतें होती हैं उसके सामान चाहिए होते हैं, जैसे बर्तन वगैरह हो गए, है ना, कपड़े वगैरह हो गए, ट्रांसपोर्ट का सामान हो गया। एक बार जब यूटिलिटी की नीड्स पूरी होने लगती हैं तो फिर वो उसको और ज्यादा डेकोरेटिव और ज्यादा अपीलिंग बनाने लगते हैं, सो दैट कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए। ठीक है, और ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें हैं वो बहुत सारे मटेरियलों से बनती है, जैसे क्ले हो गया, आयरन हो गया, कॉपर, वुड, गोल्ड। ठीक है, तो अब जैसे कि बाकी सोसाइटियों के लिए ट्रू है तो सिमिलरली ये एमपी के लिए भी ट्रू है। एमपी में भी आर्ट एंड क्राफ्ट टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है काफी। ठीक है, और अगर देखा जाए डोमिनेंस तो सबसे ज्यादा डोमिनेंस तो फोक आर्ट एंड कल्चर का ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है वुड क्राफ्ट। वुड क्राफ्ट में क्या है, मतलब वुड क्राफ्ट का मतलब होता है काम। ठीक है, तो लकड़ी का काम, पत्थर का काम, लोहे का काम। ठीक है, तो इस तरीके से क्राफ्ट का मतलब होता है काम। तो वुड क्राफ्ट में क्या कहते हैं, वुड क्राफ्ट में क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं, जैसे घर बनाए जाते हैं, स्टैचूज बनाए जाते हैं, डोर बनाए जाते हैं, और कौन सी लकड़ी यूज होती है, टीक, साल, कीकर, बेम्बू। ठीक है, वुड आर्ट में अगर देखें तो वुड आर्ट को हम लोग खरद कला भी बोलते हैं, खरद कला भी बोलते हैं। और इस खरद कला में क्या क्या होते हैं, डेकोरेटिव स्टफ बनाए जाते हैं और टॉयज बनाए जाते हैं। कौन सी लकड़ी यूज होती है, सागुन की लकड़ी यूज होती है, कादम की लकड़ी यूज होती है, सलाई, खैर। ठीक है, फेमस अगर इसमें देखा जाए तो कौन सी जगह फेमस है, श्योपुर फेमस है काफी, रीवा फेमस है, मुरैना फेमस है, बुधनी घाट फेमस है और कालन फेमस है। अब आप लोग जो मेंस के एस्पायरेंट है वो ये सोच रहे होंगे कि ये लेक्चर अब उन्हें देखने की क्या जरूरत है, उन्हें तो प्री अभी देना नहीं है। मैं आपको बता दूं, आप इन लेक्चर को बस देख लीजिए, आपका हार्डली हाफ एन आवर या एक घंटा वेस्ट होगा, लेकिन आपके आंसर की जो क्वालिटी है वो काफी इनरिच हो जाएगी। जब भी आप किसी भी एस्पेक्ट पे आंसर लिखते हैं तो इन सारी चीजों को इंक्लूड कर सकते हो आप। अगला है बेम्बू क्राफ्ट। बेम्बू क्राफ्ट सबसे ज्यादा फेमस है बस्तर, झाबुआ और मंडला वाले रीजन में। ठीक है, बेम्बू वाला रीजन, और इसमें जो बेम्बू का क्राफ्ट होता है उसमें डेकोरेटिव प्लस यूटिलिटी दोनों ही टाइप के सामान बनाए जाते हैं। अगला है लीफ क्राफ्ट। तो लीफ क्राफ्ट में क्या होती है, जैसे ब्रूम्स का मतलब होता है झाड़ू, प्लस टॉयज, चटाई, आसन, ये सारी चीजें बनाई जाती है। ठीक है, अगला है टेराकोटा आर्ट।
टेराकोटा का मतलब होता है, टेराकोटा एक पत्थर या मट्टी जैसी चीज होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टेराकोटा। ये जो टेराकोटा आर्ट है ये प्री हिस्टोरिक आर्ट है, मतलब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी पाया जाता था और आज भी पाया जाता है, तो ये इसलिए। और प्री हिस्टोरिक का मतलब होता है जिसका कोई रिटन रिकॉर्ड ना हो, ठीक है, जिस भी चीज, जिस हिस्ट्री का, जिस क्रोनोलॉजिकल पीरियड का हमारे पास रिटन रिकॉर्ड नहीं है उसको बोला जाता है प्री हिस्टोरिक आर्ट, ठीक है। तो यानी ये जो टेराकोटा आर्ट है ये प्री हिस्टोरिक आर्ट है अपने आप में। इसमें सबसे पहले यूटेंसिल्स जो थे, सबसे पहले यूटेंसिल्स टेराकोटा से ही बनाए गए थे, ठीक है, और जो टेराकोटा का काम करते हैं उनको बोलते हैं पॉटर्स, ठीक है। अब तो आपको समझ में आई गया होगा, पॉटर्स यानी जो मट्टी का काम करते हैं। टेराकोटा आर्ट अगर हम देखें कहां की सबसे ज्यादा फेमस है तो वो है बस्तर, झाबुआ, मंडला एंड बैतूल की, ठीक है। डेकोरेटिव प्लस यूटिलिटी दोनों टाइप के आइटम्स बनाए जाते हैं। आइटम्स में क्या क्या होता है, पॉटरी के सामान हो सकते हैं, स्टैचूज हो सकते हैं, टॉयज हो सकते हैं। अगला है कॉम्बार्ड। कॉम्बार्ड की भी काफी सिग्निफिकेंस है और स्पेशली आदिवासी के बीच में है, ठीक है। आदिवासी का मतलब होता है मतलब एक तरीके से ट्राइब जो जंगल वगैरह में रहते हैं, राइट। अच्छा, इसमें जो है कॉम्बार्ट में बहुत ज्यादा डेकोरेटिव कॉम्ब्स बनाए जाते हैं, जैसे आप देख सकते हो, तो डेकोरेटिव कॉम्ब्स बनाए जाते हैं। प्लस इसमें क्या कहते हैं, बीड वर्क का भी होता है। बीड वर्क का होता है का मतलब क्या होता है, जो चमकदार पत्थर वगैरह होते हैं ना वो लगाए जाते हैं, मीनाकारी भी की जाती है, ठीक है। एमपी में जो कॉम मेकिंग का जो क्रेडिट मेन जाता है वो जाता है बंजारा ट्राइब को, तो याद रखना कॉम आर्ट में सबसे ज्यादा कौन सी ट्राइब वो रहती है, मशगूल रहती है, वो है बंजारा आर्ट, ठीक है, बंजारा। अगला है बो एंड एरो मेकिंग। तो बो एंड एरो मेकिंग जो है ये एमपी में ये ट्राइबल्स के बीच में काफी फेमस है और स्पेशली ये भील का सिंबल माना जाता है, जो बो एंड एरो है ना वो भील्स का सिंबल है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। और ऐसा माना जाता है कि हर एक भील के पास खुद का एक बो एंड एरो होता ही होता है। अगली है पपेट्री। पपेट्री का ये जो पपेट्री होती है ना, मतलब आप हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे शब्द तो याद नहीं आ रहा है पपेट्री का, मतलब आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, बट पपेट्री आपने देखा होगा कि जिसमें पपेट्स वगैरह होते हैं, राइट। तो ये पपेट्री मतलब पपेट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा डोमेन है और एमपी में तो ये क्या कहते हैं, ड्रामा से भी बहुत ज्यादा पुराना है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना पपेट्री में, और जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं पपेट्री के, मेन कैरेक्टर्स ऑफ कठपुतली, अच्छा हिंदी में पपेट्री को बोलते हैं कठपुतली, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वॉट इज मीन बाय पपेट्री, इट इज नोन एज कठपुतली, ठीक है। तो मेन कैरेक्टर्स इसके क्या होते हैं, अनारकली हो गया, बीरबल हो गया, अकबर हो गया, हॉर्स राइडर हो गया, स्नेक हो गया या फिर जोगी हो गया, तो ये इसके मेन कैरेक्टर्स होते हैं। प्लस अच्छा, आपको मैं पपेट्री के बारे में वैसे जनरल अवेयरनेस करवा देता हूँ। पपेट्री क्या होती है, देखो चार टाइप की पपेट्री होती है, ठीक है। वो चार टाइप की पपेट्री कौन कौन सी होती है, एक होती है क्या कहते हैं थ्रेड पपेट्री होगी, ये जो जिसमें धागा लगा देते हैं और ऊपर से वो उसको मैन्यूवर करते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया ग्लव पपेट्री। ग्लव पपेट्री में क्या करते हैं, हाथ में ग्लव पहनते हैं और उस पर पपेट बना हुआ होता है। तीसरी होती है आपकी थ्रेड पपेट्री, सॉरी तीसरी होती है शेडो पपेट्री। शेडो पपेट्री में क्या करते हैं आर्टिस्ट, मतलब कोई किसी भी चीज की एक शेडो, मतलब वो क्या करेंगे, कोई भी आर्टिकल बनाएंगे, पीछे से लाइट मारेंगे और फिर सामने उसकी शेडो बन जाती है, ठीक है, जैसे कि रावण छाया, इस टाइप की पपेट्री होती है। चौथी होती है रॉड पपेट्री। उसमें क्या होता है, जैसे इसमें आप देख रहे हो ये रॉड लगी हुई है, तो इसको बोलते हैं रॉड पपेट्री, और इसी का दूसरा नाम है बस्ट पपेट भी बोलते हैं इसको, बस्ट पपेट, ठीक है। तो याद रखना पपेट्री चार टाइप की होती है, कौन कौन सी, ग्लव, थ्रेड, बस्ट एंड शेडो। जो पपेट्री, जो मेन पपेटियर्स होते हैं एमपी में, वो विलेज टू विलेज घूमते हैं और फिर वो दिखाते हैं। मेनली पपेट्री में क्या होता है, जो सोशल या फिर क्या कहते हैं, जो सोशल इविल्स होते हैं ना सोसाइटी में, जो इविल फैले हुए होते हैं, उन सब के बारे में दिखाया जाता है। रिलीजियस भी इनकी थीम होती है बहुत बार, तो ठीक है। और यहाँ पे हमने कैरेक्टर के बारे में बात कर ही ली है, तो प्लीज अगर अब आता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पपेट्री स्पेशली फ्रॉम दी मध्य प्रदेश पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको ये सब बताना होगा, ठीक है। डॉल मेकिंग। डॉल मेकिंग भी एक अपने आप में क्राफ्ट है जो कि एमपी में काफी प्रचलित है। सबसे पहले तो ये एक फोक कल्चर का पार्ट है। फोक कल्चर का मतलब क्या होता है, जो जनरल पब्लिक होती है ना, जो गांव में रहने वाली पब्लिक या नॉर्मल पब्लिक होती है, उनके बीच में ये काफी फेमस है। और इनको जो डॉल बनाई जाती है वो क्लोथ और पेपर से बनाई जाती है, ठीक है, क्लोथ और पेपर से। जो डॉल्स होती है इनका पूजा अर्चना से भी रिलेटेड रिलेशन है, मतलब वर्शिप वाला आस्पेक्ट भी होता है, ठीक है। डॉल मैरिजेस कंडक्ट की जाती है, डॉल मैरिजेस भी करवाई जाती हैं। डॉल जो ग्वालियर रीजन की जो डॉल्स हैं वो काफी फेमस है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ग्वालियर रीजन में जो डॉल बनाई जाती हैं वो काफी फेमस है, ठीक है। और फिर प्लस
झाबुआ में, जो झाबुआ वाली जगह है, झाबुआ में भील्स रहते हैं, ठीक है। तो जो भील्स हैं उनके बीच में भी जो भील्स की डॉल होती है वो भी काफी फेमस है, और स्टेट लेवल पे उनको अवार्ड दिया जाता है। आपको अब एक क्वेश्चन का जवाब देना है, भील जो ट्राइब है एमपी में पाई जाती है, ये पॉपुलेशन वाइज किस नंबर पे आती है, फर्स्ट नंबर पे, सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे या फोर्थ नंबर पे, ठीक है। आगे चलते हैं, चीप आर्ट, ठीक है। चीपा आर्ट एक ये कपड़ा, मतलब ये कपड़े डिजाइन करने की एक आर्ट है जिसमें कपड़े बनाए जाते हैं हाथों से, ठीक है। चिप्पा या आर्ट याद रखना, इट इज अ काइंड ऑफ अ डिजाइनिंग ऑफ अ क्लोथ यूजिंग हैंड हैंड इंप्रेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये चिप्पा आर्ट का कपड़ा है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, ट्राइबल के सिंबल्स बनाए जाते हैं बहुत ज्यादा, जो भी उनके बीच में काफी फेमस होते हैं तो उन सिंबल्स को बनाया जाता है। प्लस ये आज जो चिप्पा आर्ट के जो कपड़े होते हैं वो आज भी भील जो ट्राइब्स होती है वो आज भी इनको पहनती है। तो आप याद रखना, भील ट्राइब के जो लोग बाग होते हैं वो चिप्पा आर्ट के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। बाकी आज के टाइम पे ये जो चिप्पा आर्ट है वो अपने आप में एक इंडस्ट्री के तौर पे डेवलप हो गई है। और अगर इसके सेंटर्स की बात की जाए तो जैसे कौन कौन से बहुत मशहूर सेंटर हैं, बाग, मानवर, गोघावन, उज्जैन, ठीक है। स्पेशली जो उज्जैन की चिप्पा आर्ट है उसको, उसका एक अलग ही नाम है जिसका नाम है भैरवगढ़, ठीक है। भैरवगढ़, ठीक है, वो बहुत ज्यादा फेमस है। तो याद रखना, ये अगर ऐसा आता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चिप्पा आर्ट, तो आप पहली बात तो ये बताना कि ये किस लिए यूज होती है, सेकेंडली आप इसमें ये बताना कि ये किसके बीच में फेमस है, थर्ड आप ये बताना कि इसकी इंपॉर्टेंस आज के टाइम पे क्या है, और इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं। इंपॉर्टेंट सेंटर्स हो गए आपके बाघ, मनावर, गोगाबन एंड उज्जैन, और उज्जैन की जो चिप्पा आर्ट है उसका एक स्पेशली डोमिनेंस है और उसको बोला जाता है भैरवगढ़। महेश्वर साड़ी, महेश्वर साड़ी जो है वो काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है, और इनको नेशनली और इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज किया गया है बहुत, महेश्वर साड़ी जो है वो महेश्वर वाले जो ट्रेडिशनल वीवर्स होते हैं वो बनाते हैं इनको, और ये कॉटन या सिल्क के कपड़े से बनाई जाती हैं। काफी ये ब्यूटीफुल होती हैं और ड्यूरेबल भी होती हैं, ठीक है। इनमें जरी या बनाना थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी भी की जाती है। प्लस इसका जो क्रेडिट है, महेश्वरी साड़ी की जो इंडस्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है रानी अहिल्याबाई को। तो आप ये देख सकते हो ये रानी अहिल्याबाई हैं और ये जरी का काम किया हुआ है, ठीक है, ये जरी का काम किया हुआ है और ये महेश्वरी साड़ी है। आगे चलते हैं चंदेरी साड़ी, चंदेरी साड़ी को भी दोनों कॉटन और सिल्क दोनों के धागों से बनाया जाता है। चंदेरी साड़ी का जो स्ट्राइकिंग फीचर है वो क्या है, सिंप्लिसिटी, बहुत ज्यादा सिंपल होती है ये, ठीक है। वर्ल्ड वाइड इनको रिकॉग्नाइज किया गया है और जो मैन्युफैक्चरिंग इनकी होती है वो होती है चंदेरी में। जरी आर्ट पे आ जाते हैं, तो जरी में कम में क्या किया जाता है, धागे का काम होता है, मतलब जरी जरी में क्या होता है, एम्ब्रॉयडरी होती है, एम्ब्रॉयडरी का मतलब होता है धागे का काम, ठीक है। तो जरी में क्या किया जाता है, एम्ब्रॉयडरी तो की जाती है पर किससे की जाती है, गोल्डन कलर के थ्रेड से की जाती है। आप ये देख सकते हो ये जरी का ही काम है, ठीक है, और ये मुगल टाइम के टाइम से चली आ रही है। और इसके अगर इंपॉर्टेंट सेंटर्स देखें क्या कहते हैं, तो भोपाल इसका इंपॉर्टेंट सेंटर है जरी का, ठीक है। जरी इज द इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ भोपाल इज द इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ जरी। अगला जो है वो है भील सीड्स, पर्सेस, बैग्स एंड नेकलेसेस। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो बहुत जेनरिक है। चलिए आगे चलते हैं, फिर आ जाते हैं स्टोन क्राफ्ट। स्टोन क्राफ्ट यानी जो पत्थर का काम करते हैं ना उसको बोला जाता है स्टोन क्राफ्ट। स्टोन क्राफ्ट में एक तो बेड़ा घाट का नाम याद रखना जहां पे मार्बल के स्टैचू बनाए जाते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ और डिस्ट्रिक्ट जो काफी फेमस है, एक है रतलाम, दूसरा है मंदसौर, जहां पे स्टोन आर्ट एंड क्राफ्ट काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है। और इसमें क्या कहते हैं, गॉड गॉडेसेस की स्टैचू वगैरह बनाए जाते हैं। अगला है लक हार्ट। लक हार्ट में क्या होता है, ये इसमें आप किसी जूस या गम का यूज करते हो जो ट्री से निकलता है और उसको बोलते हैं लक। पहली बात तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है लक क्या होता है। तो लक जो रिश्ता रहता है ना, वो लिक्विड टाइप का ट्री के बीच बीच में से आपने कभी कभी देखा होगा, तो उसको बोलते हैं लक। अब लक को क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं और उसमें बहुत सारे कलर वगैरह मिलाते हैं, और जब कलर वगैरह मिलाने के बाद फिर उनसे बैंगल्स बनाते हैं। तो लक आर्ट में क्या बनाए जाते हैं, बैंगल्स, हाथों की चूड़ियां। तो चूड़ियों बनाने के लिए लक आर्ट यूज होता है, और इसमें काफी चूड़ियों के अलावा भी और क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं, टॉयस, बॉक्सेस, बर्ड एंड एनिमल्स। इंपॉर्टेंट सेंटर कौन कौन से, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, महेश्वर, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं मैट दरीज एंड पेपर माशे। तो मैट दरीज जो है उनका, तो मैट और दरीज का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा, जो दरी होती है ना वो दरी। तो उसके सेंटर है सिरोंज, झाबुआ, जबलपुर एंड शहडोल। पेपर माशी क्या है, ये एक एंशियंट आर्ट फॉर्म है जो कि काफी फेमस हुई उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर और रतलाम वाले रीजन में। इसमें जो कम्युनिटी काम करती है उसको बोला जाता है नागवंशी कम्युनिटी,
ठीक है, पेपर माशे में क्या होता है, पेपर वगैरह की मदद से डॉल्स वगैरह बनाई जाती हैं, तो ये एक पेपर माशे का ही फोटो है और इसमें टॉयज वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आर्ट एंड क्राफ्ट वाला तो पोर्शन खत्म हो गया दोस्तों। अब हम देखेंगे फोक पेंटिंग्स। फोक पेंटिंग क्या होती है, लोक पेंटिंग्स, ठीक है, नॉर्मल जो पब्लिक जो पेंटिंग्स बनाती है वो। तो एमपी की जो पेंटिंग्स हैं वो चार कैटेगरी में डिवाइडेड है। वो पहली कैटेगरी है मालवा पेंटिंग्स, दूसरी कैटेगरी है अपनी बुंदेलखंड पेंटिंग्स, तीसरी निमार पेंटिंग्स और चौथी हो गई बाघेलखंड पेंटिंग्स, ठीक है। एक एक करके हम इन सब के बारे में देखेंगे। सबसे है अपनी पहले मालवा पेंटिंग्स, ठीक है। तो मालवा पेंटिंग्स में आपको ये याद रखना है कि मालवा पेंटिंग्स में दो टाइप की पेंटिंग्स है जो काफी पॉपुलर है। एक वो वाली पेंटिंग जो औरतें बनाती हैं घरों में, घरों की दीवारों पर जब फेस्टिवल्स होते हैं या कुछ वो फास्ट वगैरह पूजा वगैरह करती हैं, और दूसरी टाइप की पेंटिंग मालवा में जो प्रोफेशनल पेंटर्स बनाते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे बनाते हैं, घरों के बाहर, ठीक है। और ऐसी पेंटिंग को बोला जाता है एमपी में चित्रावन। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया प्री का ये कि चित्रावन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए चित्रावन आर दी फॉर्म ऑफ पेंटिंग्स फेमस इन मालवा रीजन एंड ड्रॉन बाय दी क्या कहते हैं प्रोफेशनल पेंटर्स ऑन दी आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेस, ठीक है। ये इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आ सकते हैं तो प्लीज याद रखना। अच्छा, ये इसमें क्या होता है, मालवा की जो फोक पेंटिंग्स हैं इन पेंटिंग्स को फेस्टिवल पे बनाया जाता है या फिर माता देवी भैरव जी के फोटोज वगैरह बनाने के लिए यूज होता है। इसमें फ्लोर पेंटिंग भी की जाती है, और जो फ्लोर पेंटिंग करते हैं तो वो क्या दर्शाता है कि कुछ अच्छा समय है, ऑस्पिशियस का मतलब होता है कुछ अच्छा समय चल रहा है, ठीक है। इसको व्हाइट चौक और गेरू से बनाया जाता है, ठीक है, जिसमें क्या कहते हैं काउडंग का मिक्सचर भी होता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, आपकी जो भी लोग एमपी से हैं उन्होंने देखा होगा उनके घर पे जो भी फीमेल्स हैं वो इन सारी पेंटिंग्स को बनाती हैं, घर के बाहर जो उनका बरांडा वगैरह टाइप का होता है ना, तो उस पे ये पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, ठीक है। तो फोक पेंटिंग में हमने अभी यहाँ पे क्या की टेकअवेज है कि ये दो टाइप की होती है, एक जो नॉर्मल वुमेन वगैरह बनाती है और दूसरी जो प्रोफेशनल पेंटर्स बनाते हैं। प्रोफेशनल पेंटर जो बनाते हैं उसी को क्या बोलते हैं चित्रावन, ठीक है। और जो घर की औरतें बनाती हैं वो घर के अंदर ही बनाती हैं, फास्टिंग वगैरह के टाइम पे बनाती हैं, वॉल्स पे बनाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं मालवा की फोक पेंटिंग्स के बारे में और कुछ जरूरी चीजें देख लेते हैं कि इसमें जो है बहुत टाइप की इमेजेस बनाई जाती हैं, जैसे कि मंगल कलश, ब्राइड की, ग्रूम की, ठीक है, ब्राइड एंड ग्रूम ऑन एलिफेंट, फिर बारात, बैंड, हॉर्स राइडर, वाइन्स एंड बूटीज, बर्ड्स एंड एनिमल्स, ठीक है। चित्रावन जो है उसमें ब्राइट कलर का यूज होता है, और यहाँ पे जो आर्टिस्ट इतने एक्सपीरियंस होते हैं कि वो बिना स्केच की मदद से ही इन पेंटिंग्स को बना देते हैं, तो इसमें स्केच नहीं किया जाता है, डायरेक्ट ड्रॉइंग करने लगते हैं, ठीक है। प्लस ये जो पेंटिंग्स हैं इनका कलेक्शन किया गया है कहाँ पे, भारत भवन में, मान म्यूजियम में और इवन फॉरेन कंट्रीज में, ठीक है। तो आपके आप यहाँ से ये देख सकते हो ये पेंटर बना रहा है, प्रोफेशनल पेंटर, विदाउट ड्रॉइंग दी एक्सटर्नल बाउंड्री। और इसमें आपने देख ही लिया होगा कि इसमें देखो ये ब्राइड है, ग्रूम है, देवी देवता है, तो उन सबकी ये पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा निमार पेंटिंग्स। अच्छा, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं ये वाला जो पोर्शन है वो मेंस वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेंस के एस्पायरेंट है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट मेंस में आ जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन निमार फोक पेंटिंग्स, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मालवा फोक पेंटिंग्स। तो एटलीस्ट आप एक बात दिमाग में रखना कि एटलीस्ट जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें से 5 से 6 पॉइंट अपने दिमाग में स्टिक कर लो, सो दैट अगर आता है तो डायरेक्टली वहां पर लिख सको, ठीक है। तो निमार की जो फोक पेंटिंग्स है वो एक तो पहली बात वो साल भर बनाई जाती हैं और बहुत सारे ओकेशंस पे बनाई जाती हैं, इतनी कॉमन हो चुकी है कि अब तो वो एवरीडे लाइफ का पार्ट हो चुकी है, ठीक है। इसमें जो सबसे ज्यादा कॉमन डिजाइन है वो है नाग का, नाग इमेजेस, तो यहाँ पे देख सकते हो नाग इमेजेस काफी कॉमन है, जो नाग पंचमी में, भाईदूज के टाइम पे, दशहरा के टाइम पे, लक्ष्मी गणेश पूजन के टाइम पे, ठीक है, तो ये लक्ष्मी और गणेश जी मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। दिवाली के टाइम पे बनाई जाती है, फैमिली गॉडेसेस को बनाई जाती है, जो बोलते हैं ना कि हमारे जो गुरु हैं और वो सारे जो होते हैं ना देवता वगैरह, तो उनकी इमेजेस बनाई जाती हैं, शादियों के टाइम पे बनाई जाती है, मेहंदी के टाइम पे जो औरतों के हाथ पे बनाई जाती हैं, ग्रूम के हाथ पे बनाई जाती हैं, तो जो वो आप सोचते हो ना मेहंदी लग रही है, तो वो भी इट इज अ पार्ट ऑफ अ पेंटिंग। फिर टैटू वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें आती है निमार फोर पेंटिंग्स में। प्लस जो फ्लोर पे डेकोरेशन करते हैं निमार रीजन में उसको बोला जाता है मदना, जैसे वहां पे मालवा रीजन में उसको हम लोग बोलते थे चित्रावन, यहाँ पे इसको बोलते हैं मदना, ठीक है, जो फ्लोर पे किया जाता है मदना, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये जो फ्लोर पे ये लोग कर रहे हैं ना, तो ये क्या चीज है, मदना है। मदना अगर आपसे पूछता कोई क्या है तो इट इज अ फ्लोर पेंटिंग डन इन निमार रीजन, और ये फेस्टिव फ्लेवर को रिप्रेजेंट करता है, प्लस ये प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसमें दो प्रिंसिपल कलर होते हैं, एक होता है घेरू और दूसरा होता है चौक एंड व्हाइट।
तीसरी फोक पेंटिंग्स पे आते हैं तो वो है बुंदेलखंड फोक पेंटिंग्स। बुंदेलखंड में जो फोक पेंटिंग है ये भी साल भर चलती रहती है विलेज गांव में स्पेशली, ठीक है। और जो इसके मेन फॉर्म्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला है मोरेला, मोरेला फॉर्म, ठीक है। इसके टोटल चार फॉर्म है, मैं आपको पहले ही बता दूं। सबसे पहला फॉर्म है मोरेला। अब देखो मोरेला यानी मोर, तो यानी इसमें मोर की इमेजेस बनाई जाती हैं, ठीक है, और अलग अलग कलर्स में बनाई जाती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इट इज अ पेंटिंग ऑफ मोरेला। अगर कोई पूछता है मोरेला क्या है, तो इट इज अ पेंटिंग फॉर्म ऑफ बुंदेलखंड। फिर है सुरैती, सुरैती, ठीक है, सुरैती ये औरतों के द्वारा। अब देखो ये सुनिधि चौहान टाइप का नाम लग रहा है ना, सुरैती लड़की का नाम लग रहा है, तो ये औरतें बनाती हैं, घेरू से बनाती हैं, दिवाली के टाइम पे बनाती हैं। और इसमें देवी, अब दिवाली पे तो लक्ष्मी मैया की फोटो लगती है, तो बस उसी की फोटो लगा देते हैं। बुंदेलखंड की जो और अगली जो आर्ट फॉर्म है जो और ज्यादा फेमस है वो है नवराता। नवराता से तो याद रहना नवरात्र, तो ये नवरात्र के टाइम पे बनाई जाती है और अनमेरिड गर्ल्स बनाती हैं। मूर्ते, मूर्ते जो है मूर्ते, देखो एम फॉर मैरिज, तो मूर्ते से याद रखना जब मैरिज हो रही होती है उस टाइम पे ये बनाई जाती है और ये डोर के दोनों साइड बनाई जाती है। फिर है गोदान एंड गोवर्धन, तो गोवर्धन की पूजा होती है दिवाली के टाइम पे, तो ये दिवाली के टाइम पे ही बनाई जाती है और काउडंग से बनाई जाती है। तो बुंदेलखंड की हमने अभी पांच देखी, कौन कौन सी है, सबसे पहली थी मोरेला, दूसरी थी सैरैती, ठीक है, सैरैती सही, सुरैती, सुरैती, सॉरी सॉरी सुरैती, फिर तीसरा है नवराता, चौथी है मूर्ते और पांचवा है गोदान गोवर्धन। अगले पे आते हैं बागेलखंड फोक पेंटिंग्स। तो बागेलखंड की जो फोक पेंटिंग्स हैं वो अलग अलग ओकेशंस में बनाई जाती हैं। सबसे ज्यादा इसमें जो फेमस है वो है नाग इमेजेस, तो आप देख रहे हो यहाँ पे नागपंचमी यानी नागपंचमी के टाइम पे बनाई जाती हैं, औरतों के द्वारा बनाई जाती हैं और घर की दीवारों पे। आप देख रहे हो यहाँ पे औरतें हैं और ये कहाँ पे बना रही है, घर की दीवारों पे बना रही है ये पेंटिंग, ठीक है। तो इसमें ये बस ज्यादा फेमस चीजें थी, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया मेंस के लिहाज से, प्रीलिम्स के लिहाज से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। बंबू के जो आर्टिस्ट हैं वो कहाँ के फेमस है, झाबुआ और मंडला के। टेराकोटा का वर्क कहाँ का फेमस है, बस्तर का। उसके अलावा झाबुआ मंडला और बैतूल का भी फेमस है। बो एंड एरो मेकिंग सबसे ज्यादा कॉमन है भील्स के बीच में। झाबुआ जो है वो एक वहां पे भील डॉल्स भी बनाई जाती है। अगर देखा जाए महेश्वरी साड़ी का क्रेडिट किसको जाता है, तो रानी अहिल्याबाई को। बेड़ा घाट में स्टैचू मेकिंग, जो स्टोन वाला हमने देखा था ना, स्टोन आर्ट एंड क्राफ्ट, तो बेड़ा घाट में मार्बल के स्टैचू बनाए जाते हैं। इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर लख आर्ट के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। लख का मतलब आपको पता है, जो पेड़ में से जूस निकलता है, लिक्विड निकलता है, उसको निकालते हैं, हीट करते हैं, उसमें कलर मिलाते हैं, फिर उससे बैंगल वगैरह बनाते हैं। वुड आर्ट जो है वो श्योपुर, कलान, बुधनी घाट, रीवा और मुरैना का फेमस है। कॉम मेकिंग का क्रेडिट जाता है बंजारा ट्राइब को, ठीक है, बंजारा बंजारा, तो बंजारा ट्राइब को जाता है कॉम मेकिंग का। चित्रावन, चित्रावन जो है वो एक फोक पेंटिंग है कहां की, मालवा की, जो मैंने बताया था प्रोफेशनल पेंटर बनाते हैं और घरों के बाहर बनाते हैं। श्री धुलूजी महाराज ऑफ उज्जैन चित्रावन स्टाइल के बहुत ज्यादा लीडिंग फिगर हैं। धुलूजी महाराज ऑफ उज्जैन, उज्जैन मालवा रीजन में आता है तो याद रहेगा। मदना निमार रीजन में फ्लोर डेकोरेशन की आर्ट को बोला जाता है। बागेलखंड में बहुत सारी पेंटिंग स्टाइल है, जैसे कि मुरेला, सुरैती, नवराता, मोरते, गोदान, गोवर्धन। तो दोस्तों इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो मैंने इन बुक से रेफर करके पढ़ाया है। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट आता है तो आप इन बुक्स को रेफर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आएगा दोस्तों, और अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे मेल करके पूछ सकते हो। प्लस आप अपने व्यूइंग एक्सपीरियंस को, आपको देखने में वीडियो कैसे लग रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, मुझे ये लेक्चर कंटिन्यू करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, या फिर आपके पास कोई अच्छे सजेशन है जिन्हें मुझे इनकॉर्पोरेट करना चाहिए जिससे लोगों का और ज्यादा फायदा होगा, तो आप मुझे वो सारी चीजें लाइक करके, कमेंट करके या सब्सक्राइब करके बता सकते हैं। प्लस अगर आप कोई लेक्चर ना मिस हो आपसे, आपको जैसे मैं ये अपलोड करता हूं तुरंत प्रॉम्प्टली पता चल जाए, तो आप उसके लिए ये बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, ठीक है। प्लस दोस्तों इन लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि मेंस का एग्जाम आ रहा है 30 तारीख से, तो जितने ज्यादा लोग इन वीडियोस को देखेंगे उनका उतना ज्यादा फायदा होगा। चलिए दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन अलविदा, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय।